हमारे साथ मौजूद है ये नीले या ग्रेइश नीले रंग में फोक्सवैगन की पसाट, और काफ़ी दिनों के बाद इसकी वापसी हुई है। और इस बार जब ये आई है तो हालांकि बहुत अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा आप जैसा पहली नज़र में गर्म कहें, लेकिन ये नई गाड़ी है दरअसल, और पिछले वाले से थोड़ी सी कॉम्पैक्ट अगर हम कहें वो है। और इसके बाकी इंजन आंकड़े अगर हम बताएं तो एक ही वर्जन है, 2 लीटर का इसमें डीजल इंजन लगा है, लगभग 250 हॉर्स पावर के आसपास की ताकत है, 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो उस हिसाब से ताकत और प्रदर्शन तो आंकड़े तो बढ़िया है, लेकिन अगर हम इसके लुक को देखें तो आप इसको देखते ही आप सबसे पहले वही कहेंगे हाँ एक टिपिकल फोक्सवैगन सा डिज़ाइन है, जहाँ हेडलैम्प और उसका फ्रंट ग्रिल एक लाइन में जाता हुआ नज़र आ रहा है, और बहुत ज़्यादा कर्व्स या बहुत ज़्यादा मिलते जुलते टेढ़े मेढ़े एंगल नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। और ये भले ही बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट या थोड़ा सीरियस डिज़ाइन लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक जानी पहचानी अगर फोक्सवैगन के डिज़ाइन की फिलॉसफी की बात करें तो वैसा डिज़ाइन भी है, और ये बहुत जल्दी एज नहीं करता, बहुत जल्दी पुराना नहीं होता, ये मैंने महसूस किया है। अगर आप कर्वी बनावट वाली डिज़ाइन देखें तो वो बहुत जल्दी एज कर जाते हैं, थोड़े पुराने लगने लगते हैं, लेकिन ये पैसा है जो काफ़ी दिनों तक आपके जहन में पुराना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भी है कि बहुत ज़्यादा नया पहली बार देखने पर भी नहीं लगेगा। तो लुक के मामले में काफ़ी जिसे हम कह सकते हैं सीरियस लुक है इसका, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं। और पिछली सीट पर मैं बैठा हूँ, पिछली सीट पर अगर हम देखें तो काफ़ी फर्म, काफ़ी आरामदेह आप सीटिंग मुझे महसूस हो रही है, और ये पूरा ब्लैक इंटीरियर है इसमें, जो लेदर भी है वो काफ़ी प्रीमियम आपको फील होगा, पूरी फिनिश जो है चारों तरफ लेदर रैप्ड आपको दरवाजे के पैनल्स भी मिलेंगे, बीच में ये एक अच्छा सा खूबसूरत सा दिखने वाला वुड फिनिश भी बीच में दिया गया है, और मेटालिक का ब्रश्ड एल्युमिनियम फील के मेटालिक हाइलाइट्स भी यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बैठने में आरामदेह है, और हेडरूम की अगर मैं बात करूं तो लगभग 6 फीट 3 इंच की हाइट के हिसाब से हेडरूम यहां पर इतना है मुझे, जो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन आम हिंदुस्तानी हाइट के लिए ठीक है। वहीं अगर मैं इस सीट की बात करूं, 3 लोगों के बैठने के लिए मामला जो है वो संकुचित हो जाएगा, खासकर इस बीच के उठे हुए टनल के साथ या पैनल के साथ, तो यहाँ तीसरे के लिए तो मामला दिक्कत वाला हो जाएगा, लेकिन 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं, और जिस सेगमेंट की गाड़ी है आमतौर पर हम देखते हैं कि 2 लोग ही बैठते भी हैं। वहीं आपको यहाँ AC वेंट्स भी मिलेंगे पिछली सीट के लिए, और क्या है एक चौड़ा आर्म रेस्ट भी देखने को मिला है, जिसमें कप होल्डर भी साथ में दिया गया है। और यहीं से अगर हम देखें तो आप अपने बूट को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गया आर्मरेस्ट अंदर, और ये जो है वो पिछली सीट का माहौल हमने दिखा दिया, अगली सीट का भी दिखाएंगे। नी रूम, लेग रूम, थाई सपोर्ट के हिसाब से अच्छी है, हेड रूम मेरे लिए कम है, आम हिंदुस्तानी हाइट के लिए ठीक होगी। बाकी यहाँ से एक और फीचर मैं दिखाई देता हूँ, और वो है सनरूफ इस वाले वर्जन में, इस वेरियंट में आपको सनरूफ देखने को मिलेगा। तो है ना दोस्तों, ये काफ़ी मज़ेदार फीचर, जहाँ पर आप अगर मान लीजिए सामान लेके आ रहे हैं, पूरे दोनों ही हाथ आपके बिजी हों किसी शॉपिंग मॉल से या आमतौर पर किसी भी जगह से, या घर से ही सामान लोड करने के लिए आ रहे हों, और चाबी निकालने का वक्त या गुंजाइश ना हो पॉकेट से, तो सिर्फ ऐसे पाँव नीचे से आप एक बार स्वैप कीजिए, और ये इसकी डिक्की या इसका बूट खुल जाएगा, और सामान आप रख दीजिए। फिलहाल तो सामान काफ़ी भरा हुआ है, लेकिन ये फीचर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मैंने सोचा एक बार आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए। यहाँ पर अब इस पसार के ड्राइवर सीट पर मैं बैठा हूँ, अभी ड्राइव करके आया हूँ, काफ़ी मज़ेदार ही मुझे गाड़ी लगी, जो साइज़ है इसका उस हिसाब से मुझे चुस्त लगी ज़रूर, आपकी जो इसको स्पोर्ट्स मोड में, नॉर्मल मोड में, कम्फर्ट मोड में चला सकते हैं, और स्पोर्ट्स में भी जो मोड है वो मुझे रोमांचक लगी, लगभग जैसे मैंने बताया 1500 हॉर्स पावर की ताकत है, और आंकड़ों के हिसाब से सुपर कार या हाइपर कार नहीं कहेंगे, बहुत तेज़ तर्रार नहीं कहेंगे, लेकिन चुस्त काफ़ी है जैसे मैंने बताया कि सेगमेंट के हिसाब से
जो इस तरह के ग्राहक हैं आमतौर पर कुछ किसी पर बैठते हैं, चलाने का भी मन इसके ड्राइव की जगह बैठा हूँ तो। लेकिन अगर हम कुल मिला के सेगमेंट में देखें, आमतौर पर लोग किसी भी पर जा रहे हैं, और इसके अलावा जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी तगड़ा है इस कार का, ऐसे में एक्स फैक्टर मुझे महसूस नहीं होता, ऐसा कुछ भी यूनिक वो नहीं है जिसे तुरंत ही किसी के जहन में पहली पसंद बना दे। तो सवाल ये है कि हो सकता है कि जो फोक्सवैगन के प्रेमी हैं, फोक्सवैगन फैंस हैं, जो इस तरह के फीचर्स, उनकी फीचर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है, वो फीचर पसंद करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये एक अच्छी गाड़ी हो सकती है। और हाँ, जो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश गाड़ी ना चाहते हैं।